गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th कंपटीशन। फर्स्ट वी आर स्टडिंग रीजनिंग। नेम ऑफ द टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग। बेटा वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप ऑफ कोडिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग इज लेटर, सेकंड टाइप इज नंबर एंड द थर्ड टाइप इज फिक्सटीशियस। हमने तीन टाइप की कोडिंग पढ़ी है, अब ये पढ़ने वाले हैं फोर्थ टाइप जिसका नाम है बेटा डायरेक्ट कोडिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ टाइप, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्लियर है? तो सभी फोकस करेंगे, वी आर स्टार्टिंग नंबर फोर्थ टाइप। तो मैं आपको करवा रहा हूं पांच एग्जांपल, उसके बाद क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। फोकस ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको गिवन है फाइल FILE, इसकी कोडिंग गिवन है 7465। नेक्स्ट वर्ड इज IDEAL, इसी कोड की गिवन है 43586। और हमसे कोड पूछ रहा है DEEF, DEAF, हमें क्या बतानी है, इसकी कोडिंग बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, हमारी कोडिंग का नाम है क्या, डायरेक्ट कोडिंग। इट मींस कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग करनी है। मतलब F का कोड 7, I का कोड 4, L का कोड 6 और E का कोड 5। क्लियर है? इन द सेम वे I का कोड 4, D का कोड 3, E का कोड 5, A का कोड 8 और L का कोड 6। हमें क्या करना है, डायरेक्ट उठाना है। अब ध्यान दो, D का कोड क्या था, 3, उठा लिया। E का कोड था 5, वो भी उठा दिया। नेक्स्ट इज A का कोड था 8, वो उठा दिया। नेक्स्ट इज F का कोड था 7। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्या सभी को फर्स्ट एग्जांपल क्लियर है? दिस इज डायरेक्ट कोडिंग, हमें कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट कोडिंग उठानी है बस। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने से आएंगे बाय प्रैक्टिस। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना, दैट इज इनफ। ठीक है? वेरी गुड। नाउ फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कोड गिवन है डिवाइस का, कोड इज लाइक दिस BARE XA। द नेक्स्ट लेटर इज ORNATE, ORNATE, इसका कोड गिवन है ZVNESA। इन दोनों का यूज करना है और आपको कोड बताना है इसका वीडियो। सभी अप्लाई करो डायरेक्ट कोडिंग और बताओ क्या आंसर आएगा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ वीडियो। अप्लाई डायरेक्ट कोडिंग बिल्कुल आसान है, अप्लाई डायरेक्ट कोडिंग, व्हाट विल बी द कोड ऑफ वीडियो, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान। कोई क्लास लीव नहीं करेगा, इसके बाद कराऊंगा NTSA की रिवीजन मैथ्स की। कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा 6:30 बजे से पहले। वेरी गुड। The answer is REBAZ. Clear सुनो, क्या सभी का मैच हुआ? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी बच्चा क्लास लीव नहीं करेगा। We will do our revision up to 6:30, 6:30 बजे तक, दो क्लास लगातार। Next चलो ध्यान देंगे। Next question is GONE, GONE, GONE का कोड गिवन है 5%, 2#। नेक्स्ट वर्ड इज मेडल, मेडल का बड़ा कोड गिवन है 4#$, @। आपसे कोड दूसरा है गोल्ड का, बताएंगे सभी कोड ऑफ गोल्ड, यूज डायरेक्ट कोडिंग, टेल द
GOLD। वेरी गुड, ट्राई करें सभी, सभी अपने आंसर लिख ले चैट बॉक्स के अंदर। आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे पूछूंगा एक साथ, अपने क्वेश्चन सोल्व कर लें, क्वेश्चन सोल्व करके आंसर लिख लें चैट बॉक्स में। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आसान है, सिर्फ ध्यान देना है बोर्ड पे और जो कोडिंग गिवन है उसको अप्लाई करना है। आपको गिवन थी बास्केट, कोड दे दिया है। नेक्स्ट आपको गिवन है ट्राइड, ट्राइड का भी कोड गिवन है। वेरी गुड, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान, पर थोड़ा सा सोचना है। आपको कोड निकालना है स्कर्ट का, SKIRT, कोड ऑफ स्कर्ट। दिस इज द क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल विल बी डिस्कस 5, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल इजी है कंसेप्ट, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे बेटा, वेरी गुड, कीप ट्राइंग। आपको यहां से कोड बताना है रोल का, ROLE। सभी बच्चे ट्राई करें और कोडिंग करें। दीज आर द 5 क्वेश्चंस। सभी बच्चे अपने तीनों आंसर चैट बॉक्स में लिख लो एक बार और फिर एक साथ एंटर मारना, ठीक है? सभी बच्चे तीनों आंसर चैट बॉक्स में लिख लो और फिर एक साथ एंटर मारना, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड, टेक 2 मिनट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो सभी अपने आंसर मैच करेंगे। कैन आई स्पीक द फर्स्ट आंसर? गोल्ड, गोल्ड का आंसर आएगा 5% एट द रेट 3। क्लियर सभी को? गोल्ड का आंसर 5% एट द रेट 3। क्लियर है? गोल्ड का आंसर, वेरी गुड। सभी मैच कर लो, 5% एट द रेट 3। नेक्स्ट स्कर्ट, स्कर्ट का आंसर 3%, परसेंटेज के बाद स्टार, आफ्टर दैट 4 and 1। नेक्स्ट इज रोल, रोल का आंसर 9.15%। सभी बच्चे मैच कर ले अपने आंसर्स, ठीक है सभी के? वेरी गुड। तो आपको ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे NTSC में, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 4 से 5 NTSC में, तो सारे क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके, ठीक है? सभी बताएंगे Y for yes, N for no। डायरेक्ट कोडिंग क्लियर है? रिप्लाई मिला चैट बॉक्स, डायरेक्ट कोडिंग क्लियर? सभी अपने अपने रफ कॉपी में होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क फिर आप पूछते हो होमवर्क क्या है, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 8, 9 और 10, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस 33 से लेके 49। सभी अपना होमवर्क लिख लें। एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 और एक्सरसाइज क्वेश्चंस 33 से 49, ये सभी डायरेक्ट कोडिंग के हैं। होमवर्क नोट कर लिया रफ कॉपी में बेटा? बिल्कुल आसान है, गोल्ड वाला देख बेटा, एक मैसेज आ रहा है गोल्ड का। देखो बेटा जी का कोड कितना है बेटा, चेक कर, जी का कोड 5, तो जी का कोड 5। नेक्स्ट हमसे पूछा ओ का कोड परसेंटेज, तो ओ का कोड परसेंटेज, ठीक है? एल, एल का कोड एट द रेट,
एल्गा कोड एट द रेट नेक्स्ट डी डीगा कोड 3 तो डीगा कोड 3 ठीक है बिल्कुल आसान है। क्या मैं कोड रब कर दूं सभी को होमवर्क क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। हमने कोडिंग में टाइप डिजिट्स किए हैं 5 आपके क्वेश्चन आएंगे 30 तो आप डिवाइड कर लो सभी टॉपिक के कम से कम 5 क्वेश्चन तो आएंगे तो अपनी कोडिंग रिकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना बुक से। अगर बुक वाली कर ली तो जो पेपर वाले भी कर दोगे ठीक है एक दो बुक से आएगी बाकी बाहर से आएगी ठीक है। जो बुक वाली कोडिंग कर लेगा मिनिमम 30 में से 20 मार्क्स पक्के ठीक है और जो 10 क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे हैं आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा ठीक है। चलो बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट कोडिंग है उसका नाम इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हमने किसी वर्ड को किसी और को मीनिंग में दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमने व्हाइट को बोल दिया ब्लू ब्लू को बोल दिया रेड रेड को बोल दिया येलो येलो को बोल दिया ग्रीन ग्रीन को बोल दिया ब्लैक और ब्लैक को बोल दिया वॉयलेट वॉयलेट को बोल दिया ऑरेंज। हमको ये कोडिंग गिवन है। कोडिंग क्या है कि हमको व्हाइट को क्या गिवन है ब्लू हमको ब्लू को क्या मानना है रेड रेड को क्या मानना है येलो लाइक दिस। और हमसे ये पूछा हुआ है व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग। इस कोडिंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा है कौन बताएगा आपको बताना है ह्यूमन कलर का ब्लड ह्यूमन ब्लड का कलर सोचो। देखो बिल्कुल आसान है बिल्कुल व्हाइट की कोडिंग है ब्लू ब्लू की कोडिंग है रेड रेड की कोडिंग है येलो। हम सभी को बताएं ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है रेड बट अकॉर्डिंग टू कोडिंग रेड का कलर कौन सा है येलो। इट मींस माय आंसर इज येलो। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है। कोई बात नहीं बेटा आ कॉल केम कोई बात नहीं एक कॉल आ गया था बीच में कोई बात नहीं। देखो सभी ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा कंसेप्ट। देखो ध्यान दो हमें गिवन है पैरेट पैरेट का कोड गिवन है पीकॉक पीकॉक का कोड गिवन है हमको SASW स्वेलो। नेक्स्ट फिर हम गिवन है पीजन पीजन का हमको कोड गिवन है स्पैरो। तो हमसे ये बोला हुआ है हमको बताना है व्हाट विल बी इंडियन नेशनल बर्ड अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग। आपको ये बताना है इंडियन नेशनल बर्ड अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग। वेरी गुड टेल मी यस यू नो वेरी वेल इंडियन नेशनल बर्ड इज पीकॉक बट अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग पीकॉक इज स्वेलो। सो द आंसर इज स्वेलो। क्लियर नाउ फोकस नेक्स्ट कोडिंग। आपको गिवन है किसी लैंग्वेज के अंदर अर्थ को बोला जाता है स्काई वॉटर वॉटर को बोला जाता है लाइट उसी कोडिंग के अंदर एयर को बोला जाता है एयर। नेक्स्ट स्काई स्काई को बोला जाता है वॉटर। तो आपको यह बताना है अगर किसी बच्चे को प्यास लगी हुई है इफ ही इज थर्स्टी अगर किसी स्टूडेंट को प्यास लगी हुई है इफ ही इज थर्स्टी तो अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग
वो क्या पिएगा? हमको ये बताना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कोडिंग, अगर किसी बच्चे को प्यास लगी है तो व्हाट ही विल ड्रिंक। यस यू आर राइट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कोडिंग हमें पीना है, पिएंगे क्या? पानी। लेकिन कोडिंग के अनुसार वाटर को क्या बोला गया है? लाइट। सो द आंसर इज लाइट। क्या सभी को सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है? आपको कोडिंग को पहचानना है, जो कोडिंग दे रहा है क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आप सभी के लिए नेक्स्ट एग्जांपल, रोड की कोडिंग है कार, कार की कोडिंग है ट्रेन, ट्रेन की कोडिंग है स्कूल, स्कूल की कोडिंग है हाउस, और हाउस की कोडिंग है ऑफिस। तो आपको ये बताना है वेयर डू द चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी, चिल्ड्रन पढ़ने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग कहां जाते हैं? द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द गिवन कोडिंग चिल्ड्रन गो फॉर स्टडी। बिल्कुल सही बात है, आज के टाइम में बच्चे कहां जाते हैं पढ़ने के लिए? अपने घर पे जाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे घर के अंदर बंद हैं तो घर पे पढ़ेंगे। वेरी गुड, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, लेकिन इस कोडिंग के अंदर स्कूल का मतलब है हाउस, सो द आंसर इज हाउस। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें गिवन अ बकेट, बकेट का कोड गिवन है टब, नेक्स्ट इज टब, टब का कोड गिवन है ग्लास, और ग्लास का कोड गिवन है शोशर, और शोशर का कोड गिवन है स्पून। तो हमको ये बताना है अगर किसी को पानी पीना है तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन सा वो बर्तन यूज करेगा? फॉर ड्रिंकिंग वाटर वो कौन सा बर्तन यूज करेगा? विच बर्तन वी विल यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर? यस यू आर राइट, वी विल यूज सोसर, एस ए यू सी ई आर। सो दीज आर द फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्या सभी को सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब क्लियर हुआ कि क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर के अंदर? हाँ जी, क्या सभी को मतलब क्लियर है इसका? सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का मतलब आप सभी लिख लो अपना होमवर्क। वेरी गुड, सभी अपना होमवर्क लिखो, जो आपको पीडीएफ भेजी हुई है उस पीडीएफ को एग्जांपल नंबर 18, 19 और 20 एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 60 to 65 ये आपका होमवर्क है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का होमवर्क एग्जांपल नंबर 18, 19, 20 60 to 65 लिख लिया। कोई बच्चा मुझे मैसेज मत करना कि सर होमवर्क बता दो, कोई बात नहीं पीडीएफ में भेज दूंगा, कोई बात नहीं हेलो डाल देना। देखो होमवर्क बता दिए, होमवर्क के लिए डिस्टर्ब मत करना बार बार, ठीक है? ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिस बच्चे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए कोडिंग कोडिंग के हेलो डाल देना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा मुझे हेलो भेजेगा कि सर मुझे काम चाहिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो, पीडीएफ है सब मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में सॉल्यूशन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन जो मेहनत करेगा उसी को दूंगा। ये नहीं है कि ग्रुप पे भेज दिया, जिसका मन कर रहा है वही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हेलो भेजेगा, जो डाउट भेजेगा उसको एक्स्ट्रा काम दूंगा, ठीक है? तो देखो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, ठीक है? मैथ्स के अंदर हम कर रहे हैं रिवीजन,
चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 रेडी हो सभी प्रोस्कोपी के साथ बोलो। क्या सभी बच्चे रेडी हैं रफ कॉपी के साथ? रफ कॉपी साथ में हो भाई, बिना रफ कॉपी के मजा नहीं आएगा। सभी अपने अपने कॉपी में डेटा दो, राइट रिवीजन ऑफ एनटीएससी। क्लास के बाद मुझे सभी अपनी फोटो भेजना रफ कॉपी की कि किसने क्वेश्चन कहाँ ट्राई किए हैं। राइट डेट लिख ली, डन। मैं चेक करूंगा क्लास में इतने बच्चे थे, अभी क्लास में 52 बच्चे हैं। आई विल चेक क्लास में कितने बच्चे थे और इतने बच्चों ने मेरे को फोटो भेजी, पहले बता रहा हूं। सभी रिवाइज करेंगे। चलो आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें, डन ओके। चलो गेट स्टार्टेड। आप सभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं 5 क्वेश्चन, 5 के पास ट्राई करो फिर करेंगे डिस्कस। चलो गेट स्टार्टेड। अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे क्वेश्चंस, वेरी गुड। क्वेश्चन लिखें और उसके बाद सोल्व करें, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सिर्फ डिपेंड करता है कौन प्रैक्टिस करता है, डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस ओनली। आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल इजी है, वेरी गुड। टेक 5 मिनट्स, सभी अपना हाथ साफ करो। टेक 5 मिनट्स, सभी अपना हाथ साफ करो 5 क्वेश्चंस में। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर आ गए, एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन करते रहो, आंसर डालते रहो चैट बॉक्स में, फर्स्ट का आंसर ये है सर, सेकंड का ये है सर, डालते रहो, वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको सॉल्व करना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन पी वाई क्यू की फॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा अभी ट्राई करोगे तो एनटीएससी में करोगे, सीधी सी बात है, अभी ट्राई करोगे तो एनसीईआरटी एनटीएससी में हाथ चलेगा। सभी ट्राई करें, आसान है, वेरी गुड। यस, कोई बच्चा बोर्ड पे ध्यान नहीं देगा, बोर्ड पे सभी अपना अपना करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, मैं स्कोर कर देता हूँ साथ साथ, उसके बाद देखते हैं किसके लिए ठीक है। वेरी गुड, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि अगर किसी को डाउट हो तो उसकी मैचिंग हो जाए। जस्ट मैच आफ्टर यू आर डन, वेरी गुड कीप डूइंग, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। पहले दो सभी के राइट है, फर्स्ट टू, पहले दो क्वेश्चन सभी के राइट, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। बिल्कुल जो भी हमने अब तक पढ़े हैं 3 चैप्टर उनका बेसिक है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक है चैप्टर का। वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो लगे रहो, सोल्व करते जाओ, मैच करते जाओ,
किसी ने ट्राई किया, ये बताओ कार्ड पे कितना आने वाला है? एनवीडिया डन, कार्ड पे कितने के बाद चलना आएगा? काटा किसी ने? कटेगी भी थ्री। हाँ जी, काटने के बाद, वेरी गुड, एक मिनट सेकंड चलाया, 196, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड। सभी ट्राई करेंगे अपना अपना, डोंट चीट, वेरी गुड। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। वेरी गुड, कीप डूइंग। कौन मुझे बताएगा स्कोर करके, 3/5 कितना होता है? 3/5 हाउ मच? वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी भी है। मैच कर लो, मैच हो गया। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन डन। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है? रेसलाइज, आप सभी को आता है, सभी अपना हाथ साफ करेंगे। वेरी गुड, आता सभी को है, लेकिन सभी को अपना हाथ साफ करना है। प्लीज रिक्वेस्ट, डोंट चीट फ्रॉम द बोर्ड। अगर अभी चीटिंग करोगे एनटीएससी में क्वेश्चन नहीं होंगे। मन लगा के करो, मन लगा के साइन चेक कर करके करो। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से करेंगे। आंसर बोर्ड पे ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू -7, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। हाँ जी, देखो बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। वेरी गुड, वेरी गुड। एनटीएससी में आपके फर्स्ट चैप्टर आएगा, आपका थर्ड आएगा और सेकंड का बेसिक आएगा, ठीक है? सभी ध्यान दें, एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, फिफ्थ को रिपीट कर दो। बेटा बहुत इजी है, प्लस गिवन है, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। डिनोमिनेटर में वैसे क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 5 2 जा 10, 5 मल्टीप्लाई √3 से 5 √3, 2 की मल्टीप्लाई √3 से 2 √3, नेक्स्ट प्लस इनटू माइनस, माइनस प्लस इनटू माइनस, माइनस माइनस टू माइनस, प्लस √3 √3 3, क्लियर है? नेक्स्ट 10 और 3 13, √3 दो बार, √3 5 बार, 5 और 2 7, दोनों इसके हैं माइनस के, क्लियर है? फिर हमने क्या कंपेयर, जो आंसर आया उसको कंपेयर किया इसके साथ, ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू -7। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर? यहां तक क्वेश्चन 4 को करने का एक मेथड और भी है। अगर आपको ये मेथड नहीं करना हो तो क्वेश्चन 4 को करने का एक मेथड और है, देखो वो भी इजी है। देखो कैसे करेंगे,
शायद आपको वो वाला इजी लगेगा। 1 की पावर 5 1, 2 की पावर 5 हाउ मच 32, एम आई राइट। नेक्स्ट माइनस के ऊपर इवन प्लस 2 की पावर 4 16, क्लियर है। 3 की पावर 4 81, क्लियर। नेक्स्ट पावर इसमें है माइनस 1, नंबर का उल्टा, क्लियर। नेक्स्ट है 1 जा 2 जा, क्लियर। सोल्व करने पे वही आएगा सेम। अगर आपको सेकंड इजी लग रहे हैं सेकंड कर लो, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन सेकंड वन, जो आपको अच्छा लगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी को 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्लियर है? चलो वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं क्योंकि टाइम कम है, आपका भी फोन हीट हो जाता है मेरा भी फोन हीट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे फिर बीच में गैप लेंगे, दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे 5:50 में, 5:50, ठीक है। जब तक फोन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, बिकॉज फोन गेट हीटेड अप, ओके। चलो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कौन करता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। 1/√3 - 1/√3 - √2, नेक्स्ट 1/√2 - 1, इसको सोल्व करके बताना है क्या आने वाला है। चलो सभी ट्राई करो, सभी ट्राई करो, चलो स्टार्ट। ऐसे करो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। मिलते हैं 5:50 पे, वी विल मीट एट 5:50, और उस क्वेश्चन को जब तक सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सोल्व दिस क्वेश्चन टिल 5:50, ठीक है, गॉट इट। वी विल टेक अवर नेक्स्ट क्लास एट 5:50, टिल देन टेक केयर, बाय। सोल्व दिस क्वेश्चन, ओके, वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस एट 5:50, ठीक है।